बेटा पहले खाली चक्कर लगाओ, ज्ञाना जी खाली, हाँ एक चक्कर खाली लगाओ फिर बैठ जाना एक, ठीक है। और तेरी जेठी नाल होके फड़ा के बिठाई दे यार, एक बार गया ना राम जी नू है नाल होके फड़ाई दे, घोड़ी ते बिठा गया ना राम जी नू। हमारी घोड़ी बादल और उसका बछेरा ज्वाला, जिसकी उम्र करीब 16-17 दिन हो गई होगी, ये घोड़ी सबकी प्रिय घोड़ी थी राइडिंग में, मेरी बेटी की, जसकीरत जी की, और भी कोई मेहमान जब भी आए तो हमने बेचिंत होके बेडर होके हमेशा इस घोड़ी की राइड सबको ऑफर की, क्योंकि ये बहुत ही समझदार घोड़ी है और किसी को भी राइड कराती है। और करीब अभी ये 1.5 महीने से आउट ऑफ राइड है, हम इसकी आज फर्स्ट टाइम दोबारा से राइड शुरू कर रहे हैं आफ्टर हर डिलीवरी। इसके दो फायदे होंगे, एक तो घोड़ी राइडिंग से आउट नहीं होगी और दूसरा इसका बछेरा अच्छे से घूम फिर सकेगा। अभी वो माहौल तो नहीं कि हम इसके बछेरे को घर से बाहर दूर किसी लॉन्ग राइड पे ले जाएंगे, क्योंकि जगह जगह आवारा कुत्तों का जो प्रकोप है वो घोड़ों के लिए और घोड़ों के बच्चों के लिए काफ़ी ख़तरनाक है। फिर भी हमारे फार्म में जितनी भी जगह है हम वो सारी जगह इस बछेरे को इसके साथ घुमाएँगे, और जब यह बछेरा 2 महीने का हो जाता है तब कई बार बछेरे को आधे पौने घंटे के लिए आप रूम में भी छोड़ सकते हो और बछेरी को एक शॉर्ट राइड पे भी ले जा सकते हो। कोशिश करेंगे जैसे ही खेत खुल जाएंगे तो फार्म के आसपास जहां कुत्तों का डर नहीं है, तारे नहीं हैं, हम इस बछेरे को घुमाएंगे ज़रूर। बेशक ये पैडक में रहता है मगर पैडक से ज़्यादा बाहर जो दुनिया है उसका देखना भी बहुत छोटे बच्चे के लिए ज़रूरी है। फार्म के कुत्ते भी छोटे बच्चों को डरा देते हैं, स्पेशली हमारी गुंडी, उसको तो हम बिल्कुल भी अभी खुला नहीं रखते, क्योंकि वो एक बार स्टार्ट हो गई घोड़ों के पीछे भागना तो दोबारा वो बात सुनती भी नहीं है, वो कहना भी नहीं मानती और अपनी धुन में पागल हो जाती है। सो इसलिए अभी हम कुत्तों को बिल्कुल ही, जब तक घोड़ों के बछेरे बछेरियाँ स्पेशली बाहर हैं तो उनको हम बाहर ही रखते हैं और कुत्तों को बांध के रखते हैं। मगर ये घोड़ी मुझे और मेरी बेटी दोनों को बहुत प्यारी है, ऐना भी इसकी राइड को मिस कर रही है, सो हमने दोबारा इसकी राइड स्टार्ट की है और ये बछेरे की हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छी है। अब सबके अपने अपने राय रहती है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे को बाहर नहीं निकालना चाहिए, हमारा तो बच्चा ये 3रे दिन ही बाहर धूप में पैडक में निकलना शुरू हो गया था। कुछ की राय होती है कि फुल हीट में घोड़ी को मेट नहीं कराना चाहिए, मगर हमारी राय उस तरह से चलती है जिस तरह से डॉक्टर एडवाइस करते हैं। अगर आपकी घोड़ी की हेल्थ बिल्कुल अच्छी है, वो कमज़ोर नहीं है, तो उसको तुरंत मेट कराने में भी कोई हर्ज नहीं है। और इतना छोटा बछेरा जितना भागा दौड़ी करेगा उतना ही इसका सांस भी पकेगा, ये इसकी, और ये बीमारियों से भी दूर रहेगा क्योंकि ये फिज़िकली स्ट्रांग रहेगा। ज्वाला बछेरा जिसका सायर है शाने हिंद, ग्रैंड सायर ग्रेट गैम्बलर, ग्रेट ग्रैंड सायर आलीशान रोहितगढ़। कुछ लोगों को लगता है कि इसका रंग शायद यही रहेगा या इसका रंग दिलेर वाला होगा, बिल्कुल नहीं, ये पूरा ही काला हो जाएगा।